नॉर्थ गुजरात एजुकेशन मुंबई संचालित अरविंद जीवाभाई प्राथमिक शाला धोरण 8 विषय हिंदी विषयांक हंसना मना है। चुटकुले हास्य एवं व्यंग विनोद का एक सशक्त माध्यम है। चुटकुले का प्रमुख गुण वह होता है कि उनका स्वरूप छोटी और संवाद छोटे छोटे होते हैं। चुटकुले पढ़ने और सुनने से हमारा तनाव दूर होता है। इस दृष्टि से चुटकुले तनाव दूर करने का सशक्त माध्यम है। एक चूहा हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा क्या आप मुझे आपकी लुंगी 2 दिनों के लिए दोगे? हाथी, तुम उसका क्या करोगे? चूहा, मेरे बेटे की शादी है, उसमें तंबू लगाना है। पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं, मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती है। चुन्नू, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? छाता। भूत वर्तमान और भविष्य से तुम क्या समझते हो? जी मेरे दादाजी भूत, मेरे पिताजी वर्तमान और मैं उनका भविष्य हूँ। चुन्नू, मम्मी से ज़्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। क्यों? क्योंकि पापा प्रति चाटा 5 रुपये देते हैं। 3. ग्राहक के पास टूथब्रश है। दुकानदार, ब्रश नहीं है, पेस्ट है। ग्राहक, अच्छा आपके पास पाउडर होगा? दुकानदार, पाउडर नहीं है, क्रीम है। ग्राहक, क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी? दुकानदार, वह तो कल ही खत्म हो गई, मोमबत्ती है। ग्राहक, खैर ताला तो होना ही चाहिए। दुकानदार, है दू? ग्राहक, जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर आप घर पर आराम कीजिए। 3 दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे। प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए हैं तो हम क्या करेंगे? एक ने कहा, हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मजे करेंगे। दूसरे ने कहा, मैं किसी लाभप्रद कारोबार में रुपये लगाऊंगा। तीसरा बोला, मैं तो फिर सोने की कोशिश करूंगा और तब तक सोता रहूंगा जब तक करोड़पति न बन जाऊं। प्रश्न, रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। उत्तर, इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए अभी यात्रा कर ली जाए। शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा। सभी छात्र चित्र बना रहे थे। कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया। शिक्षक, कल्पेश इस चित्र में घास कहाँ है? कल्पेश, घास को तो गाय खा गई। शिक्षक, अच्छा तो गाय कहाँ है? कल्पेश, वह तो घास खाकर चली गई। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। एक साहब टैक्सी में बैठे और ड्राइवर से बोले, जरा तेज चलो वरना मेरा चित्रहार निकल जाएगा। ड्राइवर बोला, अगर मैं ज़्यादा तेज चला तो कहीं ऐसा न हो कि आपके और मेरे चित्र पर हार चढ़ जाए। बे, शिक्षक मोहन से, मोहन ताजमहल कहाँ पर है? मोहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया, सो शिक्षक ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। मोहन बेंच पर खड़े होकर, साहब यहाँ पर से भी नहीं दिखाई देता। उत्तर, एक साहेब मोटर में बैठा ने ड्राइवर ने कहू, जरा झड़पथी चाल नहीं तो मारू चित्रहार जतू रहसे। ड्राइवर बोलियो, जो हूँ वधारे झड़पथी चलावीश तो क्या एवं न थाय के तमारा ने मारा चित्रों पर हार चढ़ी जाए। बे, शिक्षक मोहन ने कहे छे, मोहन ताजमहल क्या छे? मोहने क्या उत्तर न आप्यो एटले शिक्षके तेने बेंच ऊपर उभा राख्या। मोहन बेंच ऊपर उभो रहीने कहे छे, साहेब अहींथी पण ताजमहल देखातो नथी। राष्ट्रभाषा में अनुवाद कीजिए। एक रमेश, आवी जिंदगी करता तो मौत सारू। अचानक यमदूत आवी गया अने बोल्या, तारो जीव लेवा माटे मने आदेश मळेलो छे। रमेश, लो बोलो हवे तो माणस मजाक पण न करी शके शू? बे, બ્રિજેશભાઈ બસમાં ઊભા રહીને મુસાફરી કરી રહ્યા હતા। એક મુસાફરે તેમને બેસવા માટે જગ્યા કરી આપી। બ્રિજેશભાઈ, મારે બેસવું નથી, મારે ખૂબ ઉતાવળ છે। ઉત્તર, રમેશ
ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। अचानक यमदूत आ गया और बोला, तुम्हारे प्राण लेने के लिए मुझे आदेश मिला है। रमेश, कहिए, अब तो आदमी मजाक भी नहीं कर सकेगा क्या? बै, ब्रिजेश भाई बस में खड़े रहकर मुसाफरी कर रहे थे। एक मुसाफिर ने उनको बैठने के लिए जगह कर दी। ब्रिजेश भाई, मुझे बैठना नहीं, मुझे बहुत जल्दी में है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। एक, ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को क्या सलाह दी? उत्तर, ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को यह सलाह दी कि वह दुकान पर ताला लगा दे और फिर घर जाकर आराम करे। बे, लखपति बनने पर तीसरा दोस्त कब तक सोता रहेगा? उत्तर, लखपति बनने पर तीसरा दोस्त तब तक सोता रहेगा जब तक वह करोड़पति न बन जाए। त्रण, रेल किराया बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है? उत्तर, रेल किराया बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है क्योंकि लोगों को अगले साल किराया और बढ़ जाने की आशंका है। चार, कल्पेश ने कागज पर गाय और घास के चित्र न होने का क्या कारण बताया? उत्तर, कल्पेश ने कागज पर गाय और घास के चित्र न होने का यह कारण बताया कि गाय घास खाकर चली गई। पाँच, लड़के ने भूत, वर्तमान और भविष्य के कौन से उदाहरण दिए? उत्तर, लड़के ने कहा कि उसके दादाजी भूत, उसके पिताजी वर्तमान और वह स्वयं उनका भविष्य है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। एक, चूहा हाथी की लुंगी से क्या लगाएगा? उत्तर, तंबू। बे, मुझे तो 28वें दिन ही खाली जगह होने लगती है। उत्तर, खुजली। त्रण, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? उत्तर, छाता। चार, पापा बेटे को प्रति चाटा कितने रुपये देते हैं? उत्तर, 5। आभार।